हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है मेरा ये फर्स्ट डे गांव पे, तो मैंने सोचा है कि मैं फुल डे कैसे यहां पे एंजॉय करती हूं और क्या क्या करती हूं सब आपको दिखाऊँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग गांव में बहुत सालों के बाद आए हैं। रोज़ी दीदी जो मामा की बेटी है उनकी शादी में आए थे और फिर अब भैया की शादी में आए हैं, तो इस बीच में पाँच छः सालों का गैप हो गया है। तो इस वजह से ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है कि यहाँ फर्स्ट डे हमारा कैसा रहता है। तो और आज कुछ गेस्ट भी आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको, और बाकी सब जो जो चीज़ें होंगी वो सब दिखाने वाले हैं आपको पूरे दिन। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा, और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुँचे। और चलिए सबसे पहले मैं आपको छत से, क्योंकि मैं अभी छत पर हूँ, और यहाँ से जो गाँव का व्यू है वो दिखाती हूँ आपको। ये फ्रंट एरिया है, और ये घर का बैक साइड है। ये घर के पीछे बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। और मम्मी तो बताती हैं पहले और भी ज़्यादा था, बहुत घना था, अब तो बहुत। वाह, क्या खाना हो रहा है हम लोग का, ये लोग का नाश्ता है। देखिए तबीयत खराब ना, ऐसे बता रहे जैसे लग रहा है खुशी से। यहाँ बनियान को लोग गंजी कहते हैं। देखिए देखिए मेरे मामा को, मामा मेरे लूंगी संभाल नहीं पाते हैं। लोगों ने इनको सजेस्ट किया मामा लोअर ही पहन के रखो। ये देखिए मेरी दी की बेटी है जो मेकअप के लिए बहुत ही परेशान थी कि दी मेरा मेकअप कर दीजिए, दी मेरा मेकअप कर दीजिए बोल रही थी। तो ये फाइनली उसका मेकअप पूरा है, बोली थी मुझे मेकअप करके दिखाइए कि मैं कैसी लगूंगी, इसलिए ये ट्रायल मेकअप हो रहा है इसका। खुद का इसका पर्सनल मेकअप किट है ये सब, ये लेकर के आई हुई है, देख सकते हैं आप। ये ढेर सारे मेकअप ब्रशेस हैं, फिर इसकी मेकअप किट है। और इसकी छोटी बहना यहाँ देखिए मम्मा की गोद में सोने की मूड में है, ये सो रही है अपनी मम्मा की गोद में, और बड़ी बहना यहाँ पे मेकअप करवा रही है। देखिए कैसे शर्मा रही है। तो फाइनल लुक दिखाइए अपना खुशी। तो ये देखिए खुशी का मेकअप हो गया है। क्लोज योर आईज खुशी। हल्दी का मेकअप ये मैंने इसके ऊपर किया है। ये हल्दी में ऐसा ही मेकअप करवाएगी, इसलिए आज इसने ट्राई मेकअप लिया है। अभी जा रही है खुद को मिरर में देखने की कैसी लग रही है। ये खुशी देख कर के आ गई है खुद को। तो खुशी बताइए आपको कैसा लग रहा है मेकअप? अच्छा लगा मेकअप? ऐसा ही मेकअप होगा हल्दी के दिन? ओके डन। इनको शादी का सबका प्रैक्टिस करना है। अच्छा, मतलब सबका ट्रायल मेकअप लोगी पहले? हाँ। उसके बाद मेकअप कराओगी? कोई बात नहीं। अरे उसका मेकअप मत परेशान करो, फैलाओ, बहुत महंगा है मेकअप। साथ अरे मौसी भी आ गई मेकअप होते होते, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। मौसी मेरे ब्लॉग में भी आप आएंगे। ये लौकी भी आया है।
मेकअप हुआ है परी खुशी का। थोड़ी सा उसको साफ करो। बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस कैसे हो? आप भी बोलो हेलो गाइस। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। तो क्या हुआ? पर्दे लग रहे हैं भैया की शादी की तैयारियां जो फिर काटे। फिर हमने पर्दे वाले को ऑर्डर दिया था लेकिन वो सब आए नहीं रोड लगाने के लिए, तो अब हमको जुगाड़ से पर्दों को सेट करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत भी हो रही है इसकी वजह से। और देखिए हमने कैसे इसको सेट किया है। ये सब घुड़ी का जुगाड़ है। चलो काटने हैं, स्प्रिंग उठाओ। टांगी नहीं है भी लला। किलो किलो बाहर। रोजली स्प्रिंग सारा कहाँ गया? ये स्प्रिंग काटते हुए पर्दे के लिए जो कि हम लोग से नहीं हो पा रहा है, जो कि हम लोगों से नहीं हो पा रहा था। ये तो जैसे स्प्रिंग को काट रहे वैसे वीडियो भी काट लेंगे। हटाओ पहले खींचो इधर से। बस 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 हटाओ। अब किस पे रखते हैं? काट रहे जरा दिखा दो। और ऊपर लगाने चाहिए। तो अभी हम यहाँ आए शाम की वॉक पे और यहाँ बहुत अच्छा वेदर और देखने में सीन भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे मामा का गांव है उसका नाम क्या है। मेरे पीछे आप पढ़ सकते हैं, यहीं से मेरे मामा का गाँव स्टार्ट होता है और अंदर जाते हैं। ये रास्ता है मामा का गांव। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बचपन से ज़्यादा ही मामा का ही गांव बोली हूँ। वैसे मेरे नानी का घर है ये, है कि नहीं? नानी का, नानी का ही लोग बोलते हैं नानी के गांव आए हैं या मतलब। हाँ लेकिन हम लोग मामा, हम लोग ये भी है, ये भी मामा ही बोलती है। मैं हम लोग मेरा भी मामा का घर है। हाँ इसके भी मामा का घर है, मेरे भी मामा का घर है, तो ज़्यादा मुँह से ही निकलता है। इनके मामा मेरे नाना है, इतना डिफरेंस। हाँ मेरी मौसी, यही यही डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ आके, बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ एक मंदिर है, वहाँ भी कभी जाएंगे तो शूट करके आपको दिखाऊंगी। और वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके फ्रेंड हो सकते हैं शायद, है ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी घर। खुशी कहाँ जा रही हो? चलो हम लोग जा रहे हैं। तो ठीक है हम लोग जा रहे हैं। परी तुम तो कुछ बोली नहीं, परी कैसा लगा तुम वाकई बता दो? मुझे अकेले छोड़ के भाग गए तुम लोग। तुमसे तुमको बोला कि आओ, तुम आई नहीं तो थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे? तुम बोली कि मैं नहीं आऊँगी तो वेट नहीं कर सकते? नहीं तो हम वेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं मम्मी यहाँ लोग रहते हैं, इधर सब्जियाँ लगी हुई हैं पीछे मेरे। बैक कैमरा नहीं होता है? नहीं। तो अभी हम घर जा रहे हैं, यहाँ भी मक्के की खेती हुई है और अभी तो सारे खेत कट चुके हैं। और आगे भी मैं जब भी कहीं ना कहीं जाके आई थी, जहाँ भी हम लोग तब बहुत सारे खेत थे, कब आई थी? कल आई वो कल आई मौसी, मैं स्पेशली उनको बोलती हूँ कल आएगी मोटी मौसी तुम्हारी। तो अब हम लोग जहाँ भी जाएंगे आपको शूट करके दिखाती रहूँगी कि गांव कैसा है। और हमें मैं भी अपना फ़ोन लाने वाली थी बच्चा कि और हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो एंजॉय करिए। स्टे ट्यून। अजीब।
तो ये था हमारा फर्स्ट डे इन गांव। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसे ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर दिन मेरा ये व्लॉग आए। जितने दिन हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ 15 दिन के लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो में और चैनल में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।